2022 में सिर्फ ये कारण था अमर साउंड को कांवड़ यात्रा से ट्रोले में ना देखने का, ना देखने मतलब एक अपना नीचे गिर के कोई काम नहीं कर सकता अपने के लिए। अगर 2022 में दिल्ली एक्सपो देखा है ना तो कोशिश करेंगे, देखो शंकर भगवान का हाथ रहा ना तो 2023 में मुंबई एक्सपो दिखाएंगे हम। 2018 में अलग सेटअप दिखाया और 19 में अलग दिखाया, 23 में क्या दिखाने वाले, थोड़ा सा दर्शकों को बताया क्योंकि दर्शकों से बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। देखिए भैया सुधीर भाई कुछ तो टॉप सीक्रेट रहने दो ना ना थोड़ा सा। तो दोस्तों आज के धमाकेदार पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और काफ़ी धमाकेदार इंटरव्यू है और हर साल कुछ ना कुछ कांवड़ यात्रा में कुछ ना कुछ नया वो दिखाते रहते हैं। तो साउंड का नाम है न्यू अमर साउंड, गब्बर इज़ बैक और हमारे साथ हैं चिंटू भाई। तो दोस्तों काफ़ी धमाकेदार पॉडकास्ट है तो इस वीडियो को अभी से लाइक करना और शेयर हो सके उतना शेयर करना। तो चिंटू भाई सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम जी, और काफ़ी अपडेट चल रही है साउंडों की, लोग दे रहे हैं और हम भी दे रहे हैं, बट न्यू अमर साउंड की कोई भी अपडेट नहीं है अभी मार्केट में। सुधीर भाई सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी कि आप आए, चलो आपने समय दिया जी। और मैं अपनी जो पूरी जनता है जो मुझे मतलब हम लोगों को प्यार करती है, न्यू अमर साउंड को प्यार करती है जी, उन सभी लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद है। मैं सुनील कुमार सागर, हमारी जो साउंड है न्यू अमर साउंड के नाम से रजिस्टर्ड है और मुझे लगता है हम 24-26 साल से अपनी इस साउंड के नाम से अपनी सेवा दे रहे हैं और जितनी भी जनता है इतना प्यार करती है, सब लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि इतना हमें लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। ओके अब बाकी चिंटू भाई एक सवाल करना चाहता हूँ कि अमर साउंड का ना इतिहास रहा है जी जी, काफ़ी टाइम से आप कांवड़ यात्रा में आ रहे हो, बिल्कुल बड़े ट्रोले लेके आ रहे हो जी जी बिल्कुल, और 2022 की कांवड़ यात्रा में आपका ट्रोला नहीं आया, बिल्कुल जी बिल्कुल, और लोगों ने बहुत मिस भी किया। हाँ देखिए उसमें एक बात है कि 2022 में ट्रोला क्यों नहीं आई, मेरे से भी बहुत क्वेश्चन करते हैं लोग, पूछते हैं इस बारे में भी जी। देखिए वो एक टाइम था, एक ऐड कंडीशन थी पैदा हुई थी जो क्रिएट हुई थी कुछ ही देर पहले, मतलब मंथली एक मंथ के अंदर हुआ वो सब कुछ। हमारे अंदर क्या बात है, हम जैसे किसी के साथ कांवड़ में जाते हैं तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी नेक्स्ट ईयर की उसी की रखते हैं। ओके उनसे डन था, सब कुछ डन था, हर चीज़ ओके चल रही थी, सही चल रही। लास्ट टाइम पे आने के बाद कुछ लोग होते हैं, देखिए कुछ लोग होते हैं बस ज़्यादा मात्र कुछ नहीं, कुछ थोड़ी सी चीज़ नहीं, जलने की बात नहीं है, कुछ थोड़े से अमाउंट वाली बात थी जो मतलब कोरोना इसमें भी एक कारण हो भी रहा कि कोरोना की वजह से भी जी इसमें थोड़ा डिले रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, जितने में हमारी उनसे बात हो रखी थी वो प्रॉपर कर नहीं पा रहे थे। ओके लेकिन मैंने उनसे एक चीज़ बोल दी थी कि जितना आपने 2019 में पेड किया है कम से कम उतना तो दो, लेकिन वो उससे भी थोड़ा कम मतलब देना चाह रहे थे। लेकिन एक बात है, मैंने पहले भी कहा है, पहली वीडियो में भी कहा है, पहले इंटरव्यू में भी मैंने लोगों से बोला नीचे गिर के कोई काम नहीं कर सकता। ओके कम से कम उतना तो मिलना चाहिए जितना किया है, बस ये कारण था 2022 में सिर्फ ये कारण था अमर साउंड को कांवड़ यात्रा से ट्रोले में ना देखने का, ना देखने मतलब एक अपना नीचे गिर के कोई काम नहीं कर सकता, अपना एक लेवल बना रखा, लेवल नहीं, लेवल नहीं, जितना दिया उतना दो, बिल्कुल होना ऊपर नहीं दो, जितना दिया उतना दो। ओके एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने स्टैंडिंग लगाई जी जी 22 में, बिल्कुल, और काफी धमाका किया, बिल्कुल बिल्कुल, सब वीडियोज भी डली। एक वीडियो में मैंने देखा कि आपने बोला कि वहाँ पे दिल्ली एक्सपो दिखाई आपने, बिल्कुल 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 कहा सही बिल्कुल। तो 2023 में कौन सा एक्सपो दिखाने वाले हो? देखिए मैं मतलब मैंने हम सब लोग जो भी हैं पूरी टीम है घर है जी, इतनी मतलब वो अपडेट करते हैं, इतना रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि जो साख है या जो चीज़ है जैसे हमारे गुरु ने हमें सिखाया है उस चीज़ को हम अपडेट करके बनाए। अगर 2022 में दिल्ली एक्सपो देखा है ना तो कोशिश करेंगे, देखो शंकर भगवान का हाथ रहा ना तो 2023 में मुंबई एक्सपो दिखाएंगे हम। ओके और देखिए बिल्कुल इतनी मेहनत में लगे हुए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं निकाल कर ला रहे हैं, अच्छी लगेगी लोगों को, जितना लोग पसंद करते हैं ना, जितनी उम्मीद रखते हैं हमसे जी, उनकी उम्मीदें तोड़ने नहीं देंगे हम। और सबसे ज़्यादा न्यू अमर साउंड से सर लोगों को एक्सपेक्टेशन भी रहती है। चिंटू भाई मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि 2018 में अलग सेटअप दिखाया और 19 में अलग दिखाया, 23 में क्या दिखाने वाला, थोड़ा सा दर्शकों को बताया क्योंकि दर्शकों से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। देखिए भैया सुधीर भाई कुछ तो टॉप सीक्रेट रहने दो ना ना थोड़ा सा नहीं सुनिए सब चीज़ ठीक है, कुछ टॉप सीक्रेट रहने दो, हमारे बारे में सबको पहले से ही जानकारी है कि अमर साउंड न्यू अमर साउंड कोई भी चीज़ पहले नहीं दिखाता, सबको बिल्कुल एट ए टाइम वहीं पे लगी मिलेगी। ओके ये बताने का विषय नहीं है, दिखाने का विषय है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया एक अच्छी मिलेगी, बोल देना, लोगों का कमेंट आएंगे कि सुधीर भाई वीडियो का बताया नहीं आपने, चिंता ना करो बंदों का दिल नहीं टूटने का जी। ओके मतलब कुछ धमाका ही अच्छा होगा, अच्छा होगा।
अच्छा एक चीज़ और बताओ चिंटू भाई कि अब देख रहे हो कॉम्पिटिशन का माहौल बहुत बढ़ रहा है और एक से एक साउंड इस फील्ड के अंदर आ भी चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 23 की कांवड़ यात्रा के क्या क्या चैलेंज है भाई? चैलेंज तो आपके लिए भी रहे होंगे, आपको भी नंबर वन की ट्रॉफी लानी और हर किसी को लानी है, तो क्या क्या चैलेंज है आपके लिए? देखिए चैलेंजिंग यही है कि सब लोग जितने को, जैसे कि कुश्ती है, कुश्ती को एक पहलवान से कर रहा है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि भाई एक को कराना है मेरे को। बिल्कुल। कोई दो चार को लग रहा है कि दो चार से मुझे नंबर निकालना है, जितने ज़्यादा होंगे तो उतनी ज़्यादा दिक्कत है सबके सामने। मेरी नहीं तो सभी के सामने प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कि मेरी है, वो तो हमारी नहीं है, सभी की ही प्रॉब्लम है। हमारी नहीं, अकेले की, सब लोगों के साथ ही रहेगी। लेकिन ये है कि जितना बड़ा चैलेंज होता है तो मज़ा भी वैसे ही आएगा। नहीं, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आप काफ़ी टाइम से नंबर वन साउंड की पोजीशन पे हो, तो चैलेंज मतलब एक चैलेंज क्या है आपके लिए भी नंबर वन लाने की पूरी प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग तो देखो सब कुछ अपनी तरफ से सब अच्छा ही करते हैं, ऐसा नहीं कोई साउंड ख़राब नहीं है, ना किसी के बारे में हम गलत करते हैं, पहले से ही नहीं कहते। हमें अपना देखना होता है, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी शंकर भगवान का हाथ रहा और गुरु भगवान जो भी उस्ताद हैं हमारे उनका हाथ रहा, तो ऊपर वाले की दुआ से दिक्कत नहीं आने की इस बार भी। ओके चिंटू भाई, एक फ़नी मोमेंट है मैंने आपके सेटअप पे देखा कि इतना एक्साइटमेंट रहता आपको कि आप अपने साउंड पे ही डांस करने लग जाते हो। अच्छा जी, अच्छा देखा है मैंने वीडियोस में भी देखा है, तो उसका भी थोड़ा राज बताओ। ये देखो लोगों का प्यार है, ये जब लोग ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, खींच लेते हैं, अब उनके सामने मतलब ना घुलो मिलो तो वो सोचेंगे यार ये मतलब चेंज है भैया, तो मेरे पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मतलब आपका फ्रैंक रहना चाहिए बस। नहीं, काफ़ी टाइम से एक टैग आपका नाम के साथ एक टैग जुड़ा हुआ है, गब्बर इज बैक। जी जी, तो गब्बर इज बैक का थोड़ा मीनिंग बताओ दर्शकों को। देखिए कुछ लोगों को ये ऑटोमेटिकली नाम ऐसा नहीं होता कि नाम मतलब अपने आप रखा जाए, नाम होता है जो लोगों के द्वारा मतलब एक तरह से पुकारा जाए। ओके। कुछ लोग लॉयंस बोलते हैं, कुछ गब्बर बोलते हैं। गब्बर से ये कहना है कि हमारे मतलब हम दो भाई हैं इसमें और हमारे बारे में पूरा शहर जानता है, ऐसी कोई बात नहीं कि हम दोनों में किसी तरह का कोई ऐप नहीं है और हमारे मतलब गुरुओं ने भी ऐसी शिक्षा दी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो गब्बर का मतलब ईमानदारी कह सकते हो आप। ओके। बाकी एक चीज़ और बताओ चिंटू भाई कि काफ़ी सारे साउंड हैं, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अपडेट आप साउंड के अंदर आप ही करते हो? जी, साउंड के अंदर अपडेट सबसे ज़्यादा आप ही करते हो। देखिए इसका भी कारण ये है, अगर समय के अनुसार अगर आप मार्केट में अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। ओके। अगर आपको मार्केट में बने रहना है, आगे भी नहीं निकलना है, अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो अपने आप को समय के अनुसार अपडेट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके। बाकी चिंटू भाई छोटा सा ही इंट्रोडक्शन था। जी जी। और काफ़ी लोग अपडेट के बारे में पूछ रहे थे कि न्यू अमर साउंड की अपडेट दीजिए। बाकी जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहते हो इस बार 2023 की कांवड़ में क्या धमाका होने वाला? आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोगों की उम्मीदें नहीं टूटने की। ओके। हम इतनी उससे लगे हुए हैं, आपके किसी की कोई उम्मीद नहीं टूटने देंगे, आपको जैसा चाह रहे हो ना ऐसे ही मिलेगा। ओके। तो बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज हमारे साथ है चिंटू भाई न्यू अमर साउंड से और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, तो जो भी अपडेट थी वो हमारी वीडियो में आ चुकी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।